हैशटैग मीटू के तहत यौन शोषण के आरोपों में फंसे एमजे अकबर के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आज भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही पीएम से चुप्पी तोड़ने की मांग की। चौतरफा आलोचनाओं के बाद भी एमजे अकबर के तेवर तल्ख हैं। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे एमजे अकबर को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि नाइजीरिया का दौरा खत्म कर वो इस्तीफा सौंपेंगे, साथ ही सफाई भी देंगे। देश वापस लौटते ही एमजे अकबर ने पहले तो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, लेकिन रविवार शाम को उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि साक्ष्य के बिना आरोप एक वायरल बुखार बन गया है। झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन उसमें जहर होता है। मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मेरे वकील इन सभी आधारहीन आरोपों को देखते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं कार्रवाई की धमकी देने के बाद आज उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है। आईपीसी की इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। याचिका में कहा गया है कि प्रिया रमानी ने इस तरह के आरोप लगाकर, ट्वीट करके और आर्टिकल पब्लिश कराकर मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। ये आरोप झूठे मानहानि करने वाले और बदनीयति से लगाए गए हैं। ये सब एजेंडे से प्रेरित हैं। याचिका में कहा गया है कि उन पर लगाए गए आरोपों से न केवल उनकी बदनामी हुई है, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद स्थापित सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठाओं को भी ठेस पहुंची है। याचिका में एमजे अकबर ने 6 गवाहों का जिक्र किया है। एमजे अकबर तो पूरी तरह से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। आज यूथ कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।